गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मनीषा झांसी व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने सूर्य देव को जल अर्पण किया है और साथ में ही यहाँ पर विराजमान हैं हमारे भोले बाबा। शिवलिंग भी विराजमान है यहाँ पर हमारे गमले में, तो उनको भी मैं जल अर्पण कर रही हूँ। यहीं पर तुलसी मैया भी हैं, पीपल भी हैं, तो यहीं से मैं सभी को जल अर्पण कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि आज है जन्माष्टमी। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है उनका। तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो देखिए हमारे घर में क्या चल रहा है। अभी मैं जा रही हूँ तो यहाँ पर मंदिर में अंदर पूजा करूँगी। श्रीवास्तव जी दिया जला चुके हैं और बाकी पूजा हमारी शाम को होने वाली है। और यहाँ पर चल रही है मामा भांजी की कुछ नोकझोंक, तो वो भी सुनिए आप। आज है जन्माष्टमी, देखो आज चिंकी का है व्रत और चिंकी के लिए कुछ बना है, तो सब लोग खा रहे हैं उसे। ये देखो श्रीवास्तव जी भी खा रहे, लालिया भी खा रही, व्रत रहती है खाने के लिए, हैप्पी नहीं खा रहे कि हाय आलू फ्राई खाने को मिलेंगे, खाने मिलेंगे। चटा है, व्रत उसी का है, वो चटा है। तो फ्राई आलू खाने के लिए व्रत रख लिया। अच्छा, नहीं तो वैसे मिलते नहीं है। सही है, साबुदाने की खिचड़ी खा लेंगे, मखाने खा लेंगे। बारह बजे आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी अपनी टिप्पणी दीजिए कुछ बहन जी। आप भी कुछ अपनी टिप्पणी दीजिए इस बात पर, आप क्या कहना चाहेंगी? यही पर सो रहे थे। व्रत में लोग सुबह उठ के नहा धो के पूजा करते हैं, ये सो रही है 12 बजे तक। पूजा की तुमने व्रत में था तुम्हारा? खाने लगी पहले शाम को शाम की पूजा की तैयारियां सुबह से ही शुरू हो चुकी हैं। कान्हा जी को मक्खन पसंद है, तो देखिए उनके लिए बनाया जा रहा है मक्खन। और इधर खीर भी बन रही है और मक्खन बन चुका है, तो देखिए मैंने घी भी बनाना शुरू कर दिया है, ये भी बन रहा है। और खीर भी हमारी तैयार हो चुकी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये सभी चीज़ों का शाम को भोग लगाया जा रहा है। और आज के दिन बनता है सुठौरा, गुड़ का सुठौरा। तो वो देखिए, ये गुड़िया ने सुठौरा भी बना लिया है, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ये सुठौरा तो ज़रूरी बनाया जाता है। और चिंकी ने कर दी है शुरू मंदिर सजाने की तैयारी। फूलों की माला कन्हैया जी के लिए ये बनाई है मैंने। अरे वाह, वेरी गुड। ये बनाई है छोटी सी कन्हैया जी के लिए और सारे भगवान के लिए। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा हरे बोल। हरे हैप्पी जन्माष्टमी, हरे कृष्ण हरे राम। देखा आपने, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और घर में त्योहार का खुशनुमा माहौल बना हुआ है। ये चिंकी हमारी मंदिर सजा रही है। और ये देखिए इनकी, मुझे एक चीज बहुत ही अच्छी लगी, ये देखिए जुगाड़, ये टेप लगा रही हैं, तो टेप इन्होंने कहाँ लगा रखा है और टेप के ऊपर कैंची अटका रखी है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर हमारा सजकर तैयार हो चुका है। ये देखिए पूजा की तैयारियां भी लग गई हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। कृष्ण भगवान के जन्म की तैयारी हो चुकी है, झूला भी खाली है। और अभी यहाँ पर हमारे कान्हा जी जन्म लेने वाले हैं। भोग आप लोग देख सकते हैं, कान्हा जी का क्या क्या भोग लगने को तैयार, इंतज़ार में है कि हाँ कान्हा जी जन्म लेंगे तो फिर उनको भोग लगाया जाएगा। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सब रखी हुई हैं, पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं और बस अब जन्म होने ही वाला है, क्या बात है। वेद कहे ममे उर सो बासी है
नत धीर मति थेर न रहे मोह जा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कान मोह रचे रचे भोगे लगाओ मेरे मोह आओ धन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर खाओ मेरे मोहन आओ भोगे लगाओ मेरे मोह ल्याम बजाय बांसुरी गले में वैजंती माला माला बजाए मुरली मधुर बाला झूला झूले गिर धारूला तो पड़ गई नंद लाला बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं यारी आधी रात में तू आया लाडला कन्हैया मेरा हो लाडला कन्हैया मेरा जग से निराला इसीलिए काला मेरे प्यारे गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे काले नैन वाली ने हो काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला गोविंदा मन भजने हर का प्यारा नाम है श्री लाला हर का प्यारा नाम है नंद लाला हर का प्यारा नाम है श्री राधे को वल्लभम कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतम के शिव जय कन्हैया लाल की जय घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बोलो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो वाके बिहारी की जय कृष्ण जन्म हो चुका है पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है अब सभी लोगों ने कान्हा जी को फूल चढ़ाए उनको झूला झुलाया और उनसे आशीर्वाद लिया इसके बाद गुड़िया ने सभी को प्रसाद वितरण किया हम सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर बंद आपको पूजा और भजन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की